मौजूद सभी लोगों को मेरा जय भीम हुल जोहार सतरंगी सलाम। सबसे पहले मैं अपना हुल जोहार पेश करती हूँ बाबा साहेब को, सावित्री माई को, फातिमा को, फूलन को, नांगेली को और तमाम हमारे आइडल्स को जिन्होंने हमें अपनी लड़ाई करना सिखाया, डिग्री डिग्री लड़ना सिखाया, आज हमें चलना सिखाया है, बहुजनों को उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। ये जीत सबसे पहले ये जीत बापसा के नाम है। 10 साल बाद बापसा जीता है और ये सिर्फ मेरी अकेले की जीत नहीं है, तमाम वो फाउंडिंग मेंबर्स से लेके आज तक जो मेरे साथ रात दिन एक कर दी, जिस जिन्होंने पसीना बहाया है, इतनी मेहनत करी है, जो हमारी जीत है एक बहुजन अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन की जो जीत होती है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्टूडेंट यूनियन में जो जीत होती है, जो इस सिस्टमैटिक ब्राह्मणवाद मनुवाद से लड़ता रहता है, प्रोग्रेसिवनेस के फेस में जो हमें हर दिन कास्टिज्म फेस करना पड़ता है, उसके खिलाफ जो बादशाह की लड़ाई है, वो हमारे लिए बस एक सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये हमारे लिए बस एक सत्ता की लड़ाई नहीं, ये हमारे आदर्शन और डिग्निटी की लड़ाई थी। और आज हर एक का आंसू बहा है, खुशी में आंसू बहा है, और मैं जानती हूँ जो हमारे फाउंडिंग मेंबर साथी, जो पुराने हमारे सीनियर मेंबर्स भी हैं, जो अपने घरों से देख रहे हैं, उन सबके आंसू बहे होंगे, क्योंकि बादशाह की इतनी हिस्टोरिक जीत है। पैनल पे आया है, मैं एक दलित क्वीर महिला होके सेंट्रल पैनल पे आई हूँ। इस रेजिस्टेंस को, बहुजन रेजिस्टेंस को, बहुजन आदर्शन को मेरा हुल जोहार पेश है। बाबा साहेब के मैं कुछ शब्द पढ़ूं। माय फाइनल वर्ड्स ऑफ एडवाइस टू यू आर एजुकेट एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज, हैव फेथ इन योरसेल्फ, विद जस्टिस ऑन आवर साइड आई डू नॉट सी हाउ वी कैन लूज आवर बैटल। The battle to me is a matter of joy. The battle is in the fullest sense spiritual. There is nothing material or social in it. For ours is a battle not for wealth or for power. It is a battle for freedom. It is a battle for equality. Today's victory in JNU, in this academic institution that has been known to be discriminatory to Bahujans, to minorities, to persons with disabilities, to queer people, to oppressed people, I dedicate this victory today to Rohit Vemmela at first. I dedicate this victory to Rohit Vemmela and countless others who have not been not given a space in academic institutions. आज ये उनकी भी जीत है। बादशाह जब उभर के आता है इस बार इलेक्शन में, तो हमें कुछ रूमर सुनाए पड़ते हैं, हमें कह दिया जाता है कि लेफ्ट सपोर्टेड हर जगह। आप देखिए कि यहाँ के प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन का बहुजन, लाइक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ब्राह्मणवाद कैसे खुल के बाहर आता है जब एक बहुजन ऑर्गेनाइजेशन अपना आदर्शन करता है। वो बादशाह का नाम अकेले नहीं देखना चाहते, वो बादशाह का नाम अकेले देखने जाते तो कॉमा करके लेफ्ट सपोर्टेड कर देता है। मैं उनसे पूछती हूँ कि लेफ्ट सपोर्टेड क्या होता है, तुम चंद लोग क्या हमें सपोर्ट करोगे, तुम लोग मुझे आज सपोर्ट जेएनयू की जनता ने करा है, ये लेफ्ट के प्यादों ने नहीं करा है। जेएनयू के बच्चों ने मेरे में कुछ देखा, बादशाह में कुछ देखा, और उन्होंने हिंदुत्व फैसिज्म ब्राह्मणवाद मनुवाद की टक्कर में आज हमें जिताया है, लेफ्ट के जादू में नहीं जिताया है। अगर कुछ लिखना है बादशाह के आगे तो लिखना है कि जेएनयू सपोर्टेड, अंबेडकर सपोर्टेड, बहुजन सपोर्टेड बादशाह, नॉट लेफ्ट सपोर्टेड बादशाह। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आज आप लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया, बादशाह पे भरोसा दिखाया, तो आपको इस एक अपने टेन्योर में और इसके आगे भी हम अपनी जगह बनाए रहेंगे। हम लोग हमेशा, आज मेरे एक साथी ने कहा कि हम लोग हमेशा नीचे बैठ के, कुछ भी यूजीबीएम होता था तो ऑडियंस से बैठ के ऊपर स्टेज में देखते थे इन लोगों को, आज अपने लोग स्टेज में देखते हैं। मैं बता दूं कि आज के बाद
देख लीजिएगा हमारे टेन्योर में, हमारे जब शाम में काउंसिल बना था उस स्कूल में एक भी ड्रॉप आउट रेट नहीं था, आज सेंट्रल में आया है यूनिवर्सिटी। जाएगा जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आते हैं, सब लोग पीड़ित हैं, वो रीइंस्टेट करा जाएगा, उसको एड्रेस करा जाएगा। वाइवा वोसे में का वेटेज कम करने की बात करी जाएगी, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी की बात करी जाएगी। जो ये तीन हॉस्टल बना देते हैं और लिमिट कर देते हैं आगे देने के लोग, जो ये गंगा ढाबा और तमाम ढाबा फलाना ढिमकाना ढाबा का रोमांटिसाइजेशन करते हैं, वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए तो एक्सेसिबल नहीं है, तो ये कैसा रोमांटिसाइजेशन होता है। हम इसकी बात रखेंगे, हम इस कैंपस को सेंसिटाइज करने की बात रखेंगे। JNUSU कॉन्स्टिट्यूशन सहस्रते के डिमांड्स है, JNUSU कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक ही और शी प्रोनाउंस यूज होते हैं, जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस का अमेंडमेंट करेंगे, जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल आज से इसी घंटे से इस बार इस सब असर्शन की अपनी डिग्निटी की लड़ाई की इस सब की शुरुआत होगी। दोबारा बता दूं, ये अंबेडकर वार डिस्कोर्स की जीत है, ये आप सब की जीत है, आपके लिए मेरी जीत है।